WCW के एक बहुत ही बड़े लेजेंड और WWE में इनको उतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। आज मैं बात करने वाला हूँ स्कॉटी स्टेनर के बारे में। आपने जो थंबनेल देखा है, स्कॉटी स्टेनर और ब्रॉक लेसनर का मैच क्यों नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जिम रॉस ने जो इंटरव्यू दिया था, तो उसके बेसिस में जितनी भी बात उन्होंने कही थी, तो वो मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे उन्होंने अपने ज़्यादातर इंटरव्यू में जब स्कॉटी स्टेनर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ट्रिपल एच के बारे में बात की थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एच ही वो एक रीज़न थे जिसके कारण से स्कॉटी स्टेनर का करियर WWE में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का मैच भी स्कॉटी स्टेनर के साथ नहीं हुआ। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन वीडियोज़ को बनाने में मेरे को 5 से 6 घंटे लगते हैं और मेरा चैनल इतना छोटा भले ही है, मेरे जैसे वीडियोस आपको दूसरे रेफलिंग चैनल में नहीं मिलेंगे, ये मैं 110% की गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे क्या रोमन रिंफ ने स्टेरॉयड यूज़ करके बॉडी बनाई, जॉन सीना ने स्टेरॉयड यूज़ करके बॉडी बनाई, तो इस टाइप की वीडियोस भी मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनको आज तक दूसरे के चैनल में आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, तो अगर उस हिसाब से मेरा चैनल आपको सही लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ स्कॉटी स्टेनर के बारे में। यहाँ पे WWE स्कॉटी स्टेनर को तब लाती है जब यहाँ पे WCW खत्म हो चुका था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2002 की। अब देखो, WCW और WWE के बीच में बहुत ही बड़ी एक राइवलरी, एक कंपटीशन चला करता था, तो यहाँ पे उस कंपटीशन में भाई WWE TV रेटिंग्स में जीत जाती है और यहाँ पे WCW बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े रेफलर्स थे वो WWE में आए, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे स्कॉटी स्टेनर ने जब यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उस वक्त ऑब्वियस सी बात है कि विंस मैकमहन कंपनी चला रहे थे। विंस मैकमहन चाहते थे कि भाई स्कॉटी स्टेनर को एक बड़ा पुश दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे WCW में लोग स्कॉटी स्टेनर को देखते थे। यहाँ पे भाई स्कॉटी स्टेनर रॉयल रंबल में आते हैं और यहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं हुआ, और भाई जो बॉडी थी ना स्कॉटी स्टेनर की, तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को भी वो टक्कर दे सकते थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि उनके बाइसेप्स एक बार चेक करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके बाइसेप्स में उन्होंने सिंथोल डाल रखा था, स्टेरॉयड से उन्होंने बॉडी बनाई थी। तो यहाँ पे स्कॉटी स्टेनर क्या स्टेरॉयड यूज़ करते थे नहीं, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ बताऊँ कि हाँ भाई वो यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भले ही उन्होंने स्टेरॉयड लिया हो, लेकिन उनकी रेफलिंग एक कमाल की रहा करती थी, उनके जर्मन सुप्लेक्स देखने लायक रहते थे। तो यहाँ पे भाई वो ट्रिपल एच को आते हैं और एकदम फोड़ के रख देते हैं उस वाले सेगमेंट में। उसके बाद फिर ट्रिपल एच और स्कॉटी स्टेनर की राइवलरी शुरू होती है। अब यहाँ पे देखो, स्कॉटी स्टेनर को WWE में चैंपियन बनना था और यहाँ पे उनको चैंपियन बनाया भी जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच ने अपनी पॉलिटिक्स खेल दी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कॉटी स्टेनर के सामने ये थी कि WWE में ट्रिपल एच उस वक्त के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और यहाँ पे ट्रिपल एच का उस समय रेन ऑफ टेरर था। मतलब यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा कि ट्रिपल एच जिस तरीके से अपने WWE चैंपियनशिप को कैरी करके चल रहे थे, जो भी सामने आता था वो हार जाता था। अब यहाँ पे क्योंकि स्टेफनी मैकमोहन के कारण से विंस मैकमोहन ट्रिपल एच को ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उस रीज़न से भाई ट्रिपल एच बहुत ही दिनों तक चैंपियन रहे। और इन्हीं चैंपियनशिप डेज के बीच में स्कॉटी स्टेनर ने भी अपना डेब्यू किया था WWE में, तो उसके कारण से भाई WWE में स्कॉटी स्टेनर चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। अब यहाँ पे चैंपियनशिप ना जीत पाने का एक और भी रीज़न था। यहाँ पे विंस मैकमहन का ऐसा मानना था कि 2006 और 2007 के टाइम पे जब बहुत सारे बड़े बड़े WWE के रेफलर्स रिटायरमेंट ले लेंगे, मतलब उस वक्त गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर जा चुके थे और यहाँ पे कुछ ऐसे रेफलर्स थे जो कि पार्ट टाइमर बनने के कगार पे थे, द रॉक हॉलीवुड में चले गए थे और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी जा चुके थे, तो यहाँ पे भाई ट्रिपल एच के अलावा और कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था। तो यहाँ पे स्कॉटी स्टेनर को उस टाइम पे चैंपियन बनाना तय था, मतलब 2006 और 2007 के टाइम पे अगर स्कॉटी स्टेनर WWE में रहते तो डेफिनेटली वो चैंपियन बनते, लेकिन क्योंकि 2002 में उनको चैंपियनशिप नहीं दी गई, तो स्कॉटी स्टेनर ने भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के बाद वो TNA में चले गए, फिर अलग अलग कंपनीज में जाते रहे और वहाँ पर फिर वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने। लेकिन यहाँ पे WWE में जो उनको सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसका सबसे बड़ा कारण थे ट्रिपल एच। अब देखो, यहाँ पे ट्रिपल एच का ऐसा नहीं था कि उनकी पर्सनली कोई दुश्मन थे स्कॉटी स्टेनर से, उनका ऐसा था कि जो भी सामने आने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए, खास करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उसको पुश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे उस टाइम पे RVD को भी चैंपियन बनाना था, केन भी थे उसी लाइन में, तो ये सभी सुपरस्टार को यहाँ पे किनारे कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त ट्रिपल एच चैंपियन थे। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने टाइटल डाला है कि ब्रॉक लेसनर और स्कॉटी स्टेनर का मैच क्यों नहीं हुआ, तो जिम रॉस ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि यहाँ पे स्कॉटी स्टेनर को स्मैकडाउन में ट्रांसफर किया जाने वाला था, लेकिन कंपनी के मालिक विंस मैकमहन चाहते थे कि भाई ट्रिपल एच के साथ स्कॉटी स्टेनर की एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइवलरी चले। आज की डेट में अगर आप यूट्यूब चैनल में जाओगे तो उनकी बॉडी कंपैरिजन वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे उस वाली राइवलरी को चलाने के लिए, वो स्टोरी लाइन चलाने के लिए स्कॉटी स्टेनर
रॉ पे चले गए। और फिर उसके बाद स्कॉटी स्टेनर ज़्यादा दिन तक WWE में टिके नहीं थे। और यहाँ पे WWE को छोड़ के जाने के बाद उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई भाई, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेरॉइड लेके उन्होंने बॉडी बनाई थी, तो यहाँ पे बॉडी बहुत ज़्यादा गिर गई। तो कुछ इस तरीके से स्कॉटी स्टेनर के करियर का ये वाला वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।